क्या इन्फॉर्मेशन दी है मैंने. नाउ इट फील्स बेटर. आज पता चलेगा हमें कि क्या होता है. तो सुबह का मैंने अपना सारा गुस्सा निकाल चुका है. बकवास मत करो, कट. हे गाइस, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल. जैसे कि आप सब जानते ही हैं, मेरा चल रहा है 7 डेज कुकिंग चैलेंज. एंड कल हमारा डे 1 सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ. हमने बनाया था टेस्टी क्रिसमस केक. आपने वीडियो नहीं देखी तो डू चेक इट आउट. आज मैं बना रही हूँ एक स्नैक्स जो कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बट आज मैं इसे सीधे बनाने वाली हूँ एंड सीधे फिर हम डायरेक्ट फर्स्ट टाइम आज ही ट्राई करेंगे. गाइस, आज जो मैं स्नैक्स बनाने वाली हूँ वो समवट हेल्दी भी है और नॉन हेल्दी भी है, आई डोंट नो. आप मुझे कमेंट्स में बताना. एंड गाइस, अगर मैंने ये सक्सेसफुली बना लिया तो आप तो पक्का बना सकते हो. बात तो सही है. मैं हर चीज आपको अच्छे से डिस्क्राइब करती हुई चलूंगी ताकि आप अगर सेम प्रोसेस यूज करें तो आपको दिक्कत नहीं होगी. एंड अगर नहीं बन सका तो डोंट यूज माई प्रोसेस. लेट्स होप फॉर द बेस्ट विदाउट एनी फर्दर डिले. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट है साबूदाना और इसको मैंने सोक करके रखा हुआ है रात भर वाटर में. एंड कैसे सोक करना है मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ. देखो, पहले ना रात में इसको आप, जैसे मैंने इस कटोरी से मेजर किया था, एक कटोरी लिया था, उसको अच्छे से धो दिया एक बार, ठीक है. उसके बाद जितना मैंने एक कटोरी इसमें ये लिया था साबूदाना, उतना ही कटोरी मैंने इसमें वाटर ऐड किया. थोड़ा सा 9-10 आप ज़्यादा डाल सकते हो. एंड इसको पूरी रात भर आपको रखना है. एंड अब मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट इज दिस इज़ पीनट्स. मैं खिचड़ी नहीं बना रही हूँ, पहली बता देती हूँ. तो ये पीनट्स हैं. एक्चुअली मैंने ना मूंगफली का पैकेट पड़ा हुआ था घर में, उसी से बना लिया. तो अगर आपके पास नॉन रोस्टेड है तो आप रोस्ट कर लीजिएगा. अगर मेरी तरह मूंगफली वाले हैं तो आप ऐसे इनको छिल के, उनका जो छिलका होता है ना, जैसे इस पे लगा हुआ है, मैंने वो निकाल दिया. मैंने क्या किया, ऐसे क्रश किया. एंड देन कोई भी प्लेट लेना, उसमें फूंक मारना, वो उड़ जाएगा. सो दिस इज व्हाट वी नीड. एक्चुअली अगर आपके पास बड़े हैं मीडियम साइज तो 2 या 3 चल जाएगा, काफी है. अगर आपको अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. अगर आपको आलू उबालने नहीं आते तो मैं बता देती हूँ. आलू लेना और उनको ना ऐसे पानी से इतना भरना कि पूरा डिप हो जाए, 2 सीटी आ जाएगी शायद तब तक, बस उतने में हो जाते हैं, उबल जाते हैं. और चेक करने के लिए आप कोई भी चाकू आपको ऐसे लेकर डालना, आराम से देखो ऐसे सॉफ्टली अंदर जाएगा. इनके बाहर का आउटर कवरिंग निकालती हूँ एंड देन मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है. मैंने आलू को छिल लिया है. अगर आपके पास 3 आलू है मीडियम साइज के तो आपको उन्हीं की जरूरत है. ये बहुत छोटे थे इसलिए मैंने इतने सारे ले लिए. गाइस, तो अब हम थोड़ा सा कुटाई करेंगे. कुटाई मतलब इसको कूटेंगे, मिर्ची डालेंगे इसके अंदर. तो आप चाहें तो आप ना इसमें गार्लिक ना डालें. मतलब मैंने तो किसी को डालते हुए नहीं देखा, पर मुझे गार्लिक का टेस्ट बहुत पसंद है तो मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ. ये 1, 2, 3 और एक छोटा सा 4, इनको भी ऐड कर लूँ. तो ये मैंने इसको अच्छे से कर लिया है कुटाई पुटाई. प्लेट पे हम निकाल देते हैं इसको. ओके, ये रहा. अब आपको करी लीव्स पसंद है तो आप करी लीव्स का एक पत्ता तोड़ के ले आए, नहीं पसंद है तो आप स्किप कर दीजिए और इनके पत्तों को ऐसे ऐसे करके निकाल लीजिए. बस वी आर डन. कोई भी किचन का कपड़ा लेना है, जैसे अगर आप ये ऐसे ना करना चाहो तो एक मशीन आती है ना जिसमें आप अपने प्याज व्याज को चॉप करते हो, उसको यूज़ कर सकते हो, बट उसको धुलना पड़ेगा मुझे तो. आलस की कोई दवाई है क्या? नहीं. ऐसे करके मैंने इसे फोल्ड कर लिया. हम लेंगे बेलन और इसको क्रश कर देंगे. तो सुबह का मैंने अपना सारा गुस्सा निकाल चुका है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. गाइस, ये बन चुका है चूरा चूरा, इसको ऐसे ही रखना है. चलिए अब इसे इसमें पलट देते हैं. मेन टास्क स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें लेना है ये बोल, हमें इसमें निकाल लेना है ये साबूदाना. ये मैंने सारा इसमें निकाल लिया है. नाउ ऐड दीज बेबीज. आफ्टर एडिंग दीज बेबीज मैं इसमें गार्लिक और चिली का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दूंगी. देन मेरी करी लीव्स, अगर आपके पास धनिया है ना तो आप वो भी डाल सकते हैं, वो मेरे पास ख़त्म हो गया था. एक्चुअली धनिया है पर वो मरीले हैं तो आई डोंट थिंक उन्हें डालने का फ़ायदा है. थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा, 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट, इसमें 1 चम्मच चीनी भी डालनी है. ओके, और मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डालूँ. अब इसमें हम ऐड करेंगे
इसको ऐसे मैश कर देंगे। पहले मैं इसको इतना मिक्स कर लेती हूँ। मेरे को लग रहा है गाइस मैंने क्या मिस्टेक करी कि मैंने जो आलू जो मैश थे ना उनको मुझे पहले अलग से मैश करना चाहिए था ठीक से और फिर उस पर डालने चाहिए, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाँ तो गाइस ये हो चुका है इसका बैटर तैयार। एंड इसको ना इस टाइम पे ना थोड़ा सा टेस्ट कर लेना चाहिए नमक मिर्च टेस्ट करने के लिए। क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा, वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना। देखो नमक मिर्च मसाला सब परफेक्ट लग रहा है मुझे। अब मैंने कटोरी में पानी ले लिया है तो इसको ना ऐसे अपने हाथ को गीला कर लेना है, ऐसे मैंने देखा था तो मैं भी इसलिए कर रही हूँ। शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। लेट्स सी। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। देखिए आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। बन गया क्या? एंड उसके बाद इसे प्रेस करना है। ओके आई थिंक इट्स गोइंग गुड। ये देखो कैसे बत्ती सी दिखा रहा है। ये बन गया है। अच्छा इसे बनाते बनाते आपको एक चीज बताती हूँ। ओके फ्राई वाला काम मैंने सबसे कम किया है क्योंकि मैं जब एक बार छोटी थी तो ना उस टाइम पे क्या होता मम्मी बोलती थी कि मैं डिश वॉश करूंगी रात के और वो रात का डिनर बनाएंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको एक दिन बोला कि आज ना मैं आपके लिए डिनर बनाऊंगी, पनीर बनाऊंगी। चली गई किचन में और मैंने ना पनीर को फ्राई करना था और लिटरली पैन में तेल गर्म था और मैंने उसमें पनीर ऐसे डाला ऐसे और वो पूरा पूरा जो ऑयल था ना वो मेरे पे आया, मेरी स्किन जल गई थी उस फिंगर। इसीलिए मम्मी को बर्तन भी धोने पड़े और खाना भी बनाना पड़ा। तो भाई मम्मी ने बोला तुम रहने दो भाई, तुमसे ना हो पाएगा। ये मैंने बना दिया है इनको कुछ कुछ। तो ये जो छोटू सा है ना पहले इसको डाल के देखेंगे। ये वाली कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। एंड मस्टर्ड ऑयल ना जिनको स्मेल आती है ना उनको मैं एक चीज़ बताऊँ, आप ना बस मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लो तो नहीं आती है। ठीक है गाइस तो मैंने ये वाला औजार भी निकाल लिया है क्योंकि इससे आप ऐसे करके वो करोगे ना तो ऑयल नीचे से रिलीज हो जाएगा। क्या इन्फॉर्मेशन दी है मैंने। मैं कल इधर लिख लूँ कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। ओके दोस्तों लेट्स जस्ट ट्राई दिस। बन गया ना, चलो बड़ा वाला डाल के देखते हैं अब। अच्छा गाइस मैं आपको थोड़ा सा और इसका प्रोसेस बता देती हूँ। जब आप इसे तेल में डाल देना तो एक मिनट तक इसको फ्लिप मत करना, उसके बाद दूसरी साइड फ्लिप करना, नहीं तो टूट भी सकता है, वैसे होगा नहीं बट स्टिल। और ना जब ये थोड़ा गोल्डन हो जाए तभी निकाल लेना, ब्लैक होने का वेट मत करना। कहीं कहीं पर ऐसा लगेगा आपको कि पका नहीं है पर वो पक जाता है, अगर आपने ब्लैक कर दिया ना तो वो कड़वापन आने लग जाएगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। ओके क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग के खुद 4-5 ऐसे ही कर दिए थे, बाद में मुझे जब मैंने खाया तो रियलाइज़ हुआ कि इसमें क्या गड़बड़ हुई है, तो मैंने उनको जैसे ही वो गोल्डन हो रहे थे उनको निकाल दिया, फिर अच्छे बने। Hey guys, so we did it. तो अब मम्मी आ चुकी ऑफिस से घर, तो मैंने सोचा सबसे पहले उनको प्लेट करके दूं एंड देखूं कि उनको ये कैसे लगे खा के। हो सकता है टेस्टी ना बनी हो, अपना गंदा सा मुंह बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जबरदस्ती चलो तो लो। ये क्या बनाए हैं? ये तो कुछ और बने हैं। अच्छा हो रहा है बने तो अच्छे, पहला प्रयास अच्छा है। आलू पड़ा गया इसमें? हाँ तो इतना कमाल कर दिया। और वो भी पड़ा मूंगफली, मूंगफली भी है साबूदाना भी है। अच्छा हो रहा है? किच नहीं हो रहा ना, मैंने सोचा किचकिच होगा। अच्छा हो रहा है? ये जलवा है हमारा। ओके गाइस इट्स द टाइम कि शेफ अपने आप अपना खाना टेस्ट करे। This is great. I love it. So we are successful. तो आप भी ये रेसिपी कॉपी कर सकते हैं और अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। हाँ गाइस वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं हेल्थी से खाने में जाए और ये ढूंढी। बाय।